बाबा ये सर के पास कितने टैलेंट हैं, कौन कौन सा कामों को ये दिखा देते हैं आप अपने माध्यम से थोड़ा सा जानकारी? लड़की को गायब कर देना जी सर, लड़की को काट देना दो पीस में जी सर, इंसान की टैलेंट कर देना जी सर, कार चल के आएगी कार को हवा में उड़ा के गायब कर देना जी सर, इस तरीके बहुत सारे खेल है जो कि आप सोच नहीं सकते। कितने घंटे सच्चाई आज तक देखने वाले जितने भी हमारे भाई साथियों हैं सभी को हमारी तरफ से शुभकामना और इस समय मेरी मौजूदगी है। लखीसराय जिला प्रखंड सुजगढ़ा और गाँव का नाम है आदर्श निस्ता, जहाँ की आप देख सकते हैं हमारे साथ जो है बनारस के भैया जी हैं और जादू का काम यहाँ पे कर रहे हैं। अनेक अनेक अलग अलग तरीके से यहाँ पे जादू का काम को यहाँ पे दिखाया जा रहा है और तमाम दर्शक का भीड़ भी इनके कल मैंने देखा काफ़ी भीड़ भी इनके पास में रहता है। जानकारी आज लेंगे क्या हकीकत है, किस तरीके से दिखाया जाता है, सर कहाँ पे शिक्षा ली है, सर का गुरु कौन था? अगर कोई मेरा नाम है दीपक पाशा, कहाँ से हैं सर? बनारस। बनारस के रहने वाले हैं सर, बिहार में काम कर रहे हैं सर जी हाँ। सबसे ज़्यादा सर आप कहाँ पे काम करते हैं सर? ऑल टोटल बिहार, टोटल बिहार में जाते हैं। इससे पहले हम 5 साल पहले हम यूपी काम करते थे, 30 साल तक यूपी काम किए। कितने दिन का एक्सपीरियंस है सर इस लाइन का आपका? ये हमारा हो गया एक्सपीरियंस करीब 38-39 साल। कितने उम्र से चालू किए थे? 20 साल की उम्र से। 20 साल के उम्र के थे सर आप शिक्षा चालू, कितने साल लगा था सर ये कामों को सीखने का? इस काम को सीखने में हमको 5 साल लगा। 5 साल लगा सर। मैंने देखा है आपका कला एकदम हाउ, हकीकत में सर आपने तो सर पंछी बना दिए थे, आदमी को हवा में उड़ा दिए थे, आदमी को काट के अलग कर दिए थे, इसका क्या, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे सर? अगर अभी भी समाज में कोई बेरोजगार बंदे हैं ये सब चीज़ों को नहीं जान रहे, ये सब का कोई रास्ता देने वाले नहीं है, वैसे लोगों को भी आपको सर इस लाइन में कैसे लाएंगे सर, क्या हकीकत जानकारी देंगे सर? देखिए ये सब चीज़ सिर्फ शौक की चीज़ है, अगर इंसान को शौक है तभी सीख सकता है वो, अगर शौक नहीं है तो सारा जीवन यहाँ गड्ढा खोदता रहेगा, नहीं सीख पाएगा। बच्चे हमेशा स्कूल जाते हैं, हर बच्चा नहीं पढ़ पाता, जो पढ़ने वाला होगा वही पढ़ेगा। तो कैसे क्या होगा सर, बहुत बेरोजगार है, सब नौकरी में लिए भाग रहे हैं, ये सब चीज़ों में नहीं आ रहे हैं, क्या ये सब चीज़? देखिए कोई चीज़ सीखने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पहली चीज़। सीखने में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी, और घर बैठ के अगर सीखना है तो पैसा खर्च करेंगे, पैसा घर बैठे भी आप लोग सिखाएंगे? घर बैठे भी सिखा देंगे लेकिन पैसा लगेगा। क्या आप इतना पैसा लेते हैं सर? जितना लगा सकता है इंसान, इसका कोई था अगर नहीं। आर्थिक स्थिति कमजोर है सर, उनके पास पैसे नहीं है, फिर भी तो फिर भी कम से कम गिरी हालत में कम से कम 50,000 तब ये काम को सीख पाएंगे, तब इस काम को सीख सकते। कितने दिन में उनको सर उनके दिमाग के ऊपर है, कितने एक्सपीरियंस है उनको? रिस्क तो नहीं है ना सर, खतरा तो नहीं है इसे? खतरा नहीं है इसमें, कोई खतरा नहीं है जी। साथियों बनारस के सर हैं जो हमारे साथ हैं, जादू का ऐसा ऐसा कला दिखा देते हैं कि मैंने आप विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा होने वाला चीज़ है, लेकिन वैसा दिखा देते हैं। और ये जानकारी लेंगे कि बाबा के ये सर के पास कितने टैलेंट हैं, कौन कौन सा कामों को ये दिखा देते हैं आप अपने माध्यम से थोड़ा सा जानकारी? लड़की को गायब कर देना जी सर, लड़की को काट देना दो पीस में जी सर, इंसान की गर्दन काट के दूसरे टेबल पे रख देना जी सर, कार चल के आएगी कार को हवा में उड़ा के गायब कर देना जी सर, इस तरीके बहुत सारे खेल है जो कि आप सोच नहीं सकते। कितने घंटे आप जो है सर कला दिखाते हैं रात में, कितने बजे से चालू करते हैं, कितने बजे तक आपका चलता है प्रोग्राम? हमारा चालू होता है करीब 7:30 बजे। 7:30 बजे से कितने बजे लास्ट तक रहता है? लास्ट करीब 1 बजे तक। टिकट का कितने कीमत है कम से कम? टिकट मेले में हम लोग 20 रुपए रखते हैं, 20 रुपए 30 रुपए जैसा एरिया होता है वैसा टिकट होता है, क्षेत्र के हिसाब से। कहीं को तो शहर के अंदर दिखाते हैं, मेले में अगर शहर में लगाए तो 50 रुपए टिकट भी चलाते हैं। टॉकीज शो करते हैं जहाँ 3 घंटे का प्रोग्राम होता है, वहाँ 100-200-300 रुपए टिकट होता है उसी काम में। लेकिन वहाँ प्रोग्राम होता है 2 घंटे, मेले में ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट। कितने बजे चलता है यहाँ पे? यहाँ चलता है 7:30 बजे। मैंने लगभग कितने बेच पाप, एक बेच में कितने आदमी को उसमें? एक बैच में हमारे पास 1 दर्जन आदमी है, 12 आदमी। इसमें जिससे मान लीजिए अगर काम अभी जादू दिखाना है तो कितने कुर्सी काम पे व्यवस्था होता है, कितने लोग बैठ सकते हैं वहाँ पे? कम से कम गिरी हालत में 125 आदमी। कितने आदमी? इसी पर्पज़ है कि नहीं इंटरव्यू करना है, ऐसे चीज़ों को हमको समाज में देना है ताकि फिर भैया से हमको मुलाकात भी नहीं हो पाएंगे, भैया जी बनारस के रहने वाले हैं हम वहाँ जा नहीं पाएंगे,
आपको आज भैया जी से यहीं पे मुलाकात हुआ, सारा हम जानकारी लेने का कोशिश कर, वैसे लोगों को आप क्या करेंगे जो आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है, उनको नौकरी भी नहीं हो पा रहा, पढ़े लिखे भी नहीं है, तो वैसे लोगों को अभी आप सिखा सकते हैं? हमारी फर्म भर्ती होंगे, मेहनत करेंगे, उनको सिखाएंगे, पढ़े लिखे नहीं भी देंगे फिर भी चलेगा? चलेगा। तो भैया क्यों, ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, दिमाग की जरूरत। तो भैया जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे दिमाग की जरूरत है। मेरा पहला मुलाकात सर से हुआ, फिर सर से मुलाकात भी लेने का हम कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।